हेलो बच्चों, वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस, रिवाइज करेंगे और थोड़े से, और होमवर्क में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आज क्वेश्चन सीरीज होगा। तो चलिए एक्सपोनेंट्स के हम लोग कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करना। ओके, तो पेन पेंसिल कॉपी निकाल के बैठ जाओ सब कोई। ओके, हो गया। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले एकदम नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके आगे आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज रिमाइंड हो, तो सही है, फिर चलो लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चलो ले लेते हैं एकदम इजी सा, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है? -3 raised to the power -4, अब इसको इवेल्युएट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, हम लोग क्या फॉर्मूला एक पढ़े थे, अगर किसी भी नंबर के पावर, अगर a अपॉन b रेस्ट टू द पावर अगर माइनस में है, अगर कोई भी नंबर का पावर क्या है माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकेट कर जाता है वो, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पावर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये -3 अपॉन -3 है ना, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन -1 अपॉन 3 raised to the power 4 हो गया। ये कर दिया हमने इवेल्युएट, अब आप लोग निकाल लो, 3 into 3 ऐसे 9 into 9 81 आएगा, ठीक है, 81 आंसर होगा, ऐसे करके 3 है ना, तो 1 upon 81 हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? तो ये तो बहुत ही ईजी था, बस एक फॉर्मूला लगा के इसको इवेल्युएट करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा लेवल पे आते हैं, ठीक है? तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, 4 upon 3 raised to the power -3 into 4 upon 3 raised to the power 0, ये वाला ब्रैकेट नहीं, मिडल ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 4 upon 3 raised to the power 6। ओके, पॉज करो, सॉल्व करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, पॉज करके सॉल्व करो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं, आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, वैसे मैं तुम्हें कर ही रही हूँ। चलो 1 2 3 4 5 पॉज करो, सॉल्व करो। चलो अब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है? तो बेस सेम है, तो क्या होगा, बेस सेम अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 4 upon 3 raised to the power -3 plus 0, ओके, ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 4 upon 3 raised to the power 6। तो ये -3 plus 0 क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। इसको एक और वे में आप लोग देख सकते हैं, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 तो ये 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसी बात है, अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। तो मतलब 4 upon 3 raised to the power -3 divided by 4 upon 3 raised to the power 6। अब क्या है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फॉर्मूला तो पढ़े होगे ना, क्या हो जाएगा, 4 upon 3 raised to the power -3 -6, मतलब क्या आ गया हमारा आंसर, 4 upon 3 raised to the power -9, दिस इज आवर आंसर, हो गया। इसमें दो फॉर्मूलाज लगे, कौन कौन से इसमें दो फॉर्मूलाज लगे, इसमें पहला है अगर a upon b raised to the power m into a upon b raised to the power n, तो क्या हो जाएगा, a upon b raised to the power m plus n, ठीक है, ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला, ये है। दूसरा क्या है, सेम वही, यहाँ पे बस मैं डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे डिवाइड अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, m-n, यही है सेम दोनों, ठीक है। और यहाँ पे एक वे देखिए, यहाँ पे जैसे 0 है तो एक और वे है, अगर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 3 फार्मूलाज क्वेश्चन में लगे, ठीक है, आप लोग को सारे फार्मूलाज याद रहेंगे तो आप लोग देख के ही पता चल जाएगा कि कौन से फार्मूलाज कहाँ लगा के कैसे इवेल्युएट करना है। तो उसके लिए आप लोग को सारे फार्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए, नहीं होंगे तो भाई उसमें मेरी कोई गलती है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग पॉज करके सॉल्व करोगे, वैसे ही सब वैसे ही चलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 2 raised to the power 0 प्लस 5 raised to the power -1 इंटू 3 raised to the power 2। चलो सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। चलो कर दिया, अब इधर भी करते हैं। अब किसी पे नंबर के पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, अगर a raised to the power 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला फॉर्मूला ये लगा, तो इसको हम लोग a पे 1 कर लेते हैं। प्लस 5 raised to the power -1 मीन्स अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस 1 है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट कर जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/5 ((3)^2। अब आ जाओ ये क्या हो जाएगा, ऐड करो इसको, ये हो जाएगा 5 divided by (5+1)/(3)^2। हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 into 3 = 9। ये वहां पे लिख दिया डायरेक्ट। अब क्या हो जाएगा, 6/5 (9)। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा आ गया आंसर। आगे आप लोग खुद से तो इवेल्युएट कर लोगे, अब इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। चलो समझ में आया, अरे 6×9=54। चलो समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, एकदम कुछ था ही नहीं इसमें। ओके आज मैं होमवर्क के लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, तो आप लोग उसको सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन भी दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप होगा, चलो देखते हैं क्या है। चलो मैं क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके ओके बच्चों, तो ये हमारा सामने क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। बाय व्हाट नंबर शुड 6 raised to the power -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 9 raised to the power -1। ये क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग पॉज करके सॉल्व करो। ओके मैं वेट कर रही हूँ, पॉज करके सॉल्व करो, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं बता रही हूँ। चलो तब स्टार्ट करते हम लोग, ठीक है, आ जाओ। तो पहला क्या है, बाय व्हाट नंबर। अब पूछा ऐसे कौन से नंबर में, क्वेश्चन पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। बाय व्हाट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है, शुड -6 raised to the power -1 बी मल्टीप्लाइड, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा ये। तो मतलब मान लो कि, तो मान लो चलो x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। हम लोग नंबर को क्या मान लिए, x मान ली, चलो x नंबर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -6। तो क्या, तो x को अगर हम लोग -6 raised to the power -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, 9 raised to the power -1। ठीक है, यही क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन। बाय व्हाट नंबर शुड -6 raised to the power -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम 9 raised to the power -1। ऐसे कौन से नंबर से हम लोग -6 raised to the power -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 raised to the power -1 आए। तो ये है, हम लोग मान लो एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 raised to the power -1 आएगा। चलो तो आगे देखते हैं, अभी एक्स ठीक है, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो यह क्या हो जाएगा, 1/6। यहाँ पे पावर क्या है, सॉरी -1/6 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1/9। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई में है -1/6, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/9। ओके समझ में आ रहा है ना, 1/9 (-6) समझ में आ रहा है। तो इसको आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, मतलब आंसर क्या गया, -2/3। दिस इज आवर आंसर। ओके दिस इज आवर आंसर, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप लोग उसको करना, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन पूछना, मैं दे दूंगी वहां पे। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा क्या, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन होगा। ओके बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके आप लोग इसको नोट कर लो।
अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी है. ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. और लास्ट जो मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, लास्ट जो मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी. ओके, चलिए तो अभी मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ. अगर वो अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो अभी आपसे एक क्वेश्चन नहीं होगा. तो चलिए उसको भी एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. बहुत ही ईजी सा है बट इम्पॉर्टेंट है. ओके, चलिए तो क्वेश्चन है, इफ 5 raised to the power 2x plus 1 इज डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी जो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें भी इसी टाइप का है. बस उसमें मैंने वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं लिखा है. तो आप लोग समझ जाना उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. अगर आप लोग को आ रहा है तो पॉज करके सॉल्व करो, कोशिश करो, होगी. चलो तो हम लोग देखते हैं. तो पूछ रहा है इफ 5 raised to the power 2x plus 1 divided by 125 is equal to 125. तो क्या निकालना है हम लोग को, x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, 5 raised to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125. चलो तो अब हमारा एक रूल है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि कोई भी ये एक इक्वेशन हो गया, तो हमारा कोई भी इक्वेशन, मान लो कि 2 raised to the power 3 into 4 raised to the power 6 is equal to 8 raised to the power x, ठीक है, ये हमारा कोई भी इक्वेशन है. तो हम अगर हमारा बेस सेम हो, अगर या ऐसे नहीं करते, ये आप लोग को ज्यादा नहीं इजी वे में समझाती हूँ. चलो जैसे 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 6 is equal to 2 raised to the power x, ठीक है, अगर ये है. अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, इस इक्वेशन में क्या है, उधर भूल जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ. इस इक्वेशन में क्या है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है. मतलब हमारे क्या है, बेस क्या है, एकदम सेम है, बेस एकदम सेम है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करेंगे. इसको कंपेयरिंग सीखो आप लोग, जैसे कि इसको दो ट्रिक से करते हैं. पहले तो हम लोग पहले तो यहाँ इस साइड देख लेते हैं फ्रॉम द LHS, ठीक है, क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा. तो 2 3 plus 6 is equal to 2 raised to the power x, ये हो जाएगा. मतलब 2 raised to the power 9 is equal to 2 raised to the power x. तो अब क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो कंपेयर करो, 2 raised to the power 9 is equal to 2x to the power x, मतलब x इक्वल टू 9. ये हमने कंपेयर कर दिया. क्या अगर बेस सेम है और पावर ऐसे है तो हम लोग x को 9 से कंपेयर कर देंगे, मतलब x भी 9 के इक्वल होगा. अगर 2 का पावर 9 है तो 2 का पावर 9 से ही इक्वल होगा. अब 2 का पावर 8 तो यहाँ पे कर नहीं सकते, x इक्वल टू 8 नहीं लिख सकते, मतलब 9 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 raised to the power 9 ही 2 raised to the power 9 इक्वल होगा ना. तो ये होता है, ठीक है, बेस सेम हो. तो पहला मेथड ये हो गया इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है. दूसरा ये है कि डायरेक्ट हम लोग बेस को सेम कर लें, ठीक है. डायरेक्ट बेस हमारा क्या है, हमें हर जगह 2 2 2 दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं. तो डायरेक्ट अगर इसको हम लोग कंपेयर कर लेते तो क्या हो जाएगा, 3, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड होता है. तो 3 plus 6 is equal to x, डायरेक्ट कर लो x की वैल्यू 9, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, डायरेक्ट आ गया, ठीक है. मतलब कि बेस को हटा दिया, इस पावर को कंपेयर करके हम लोग वैल्यू ला सकते हैं. तो ये भी एक मेथड है. तो चलिए इस मेथड से हम लोग ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं. अब आप लोग कहोगे कि इस भाई बेस तो सेम होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, बेस ही सेम नहीं है. तो बेस हम लोग पहले सेम करेंगे, ठीक है. तो 5 raised to the power 2x plus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 raised to the power 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 into 5 क्या होता है, 125 होता है. तो 5 raised to the power 2 लिख दिए. और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 raised to the power 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 into 5 into 5 क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, 5 into 5 into 5 क्या होता है, 125 होता है, ठीक है. तो अब पूछोगे आप लोग कि क्यों हम लोग 5 raised to the power 2 क्यों 5 raised to the power 3 कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बेस सेम करना, हम लोगों को किसी भी मेथड से लगा के बेस सेम करना है. तो अगर हम लोग ये ट्रिक लगाते हैं, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा सेम हो जाएगा, जिससे कि हम लोग दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को कंपेयर कर सकेंगे. अब देखो आप लोग, हमारा क्या है, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, और पावर क्या है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. तो 5 2x plus 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 5 raised to the power 3. अब बेस कंपेयर कर लो, ठीक है, बेस कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x plus 1 minus 2 is equal to 3, ठीक है. अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, क्या हो जाएगा, 2x
प्लस वन माइनस टू इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस वन इक्वल टू थ्री। डायरेक्ट लिख दो, टू एक्स इक्वल टू वन इधर माइनस में तो इधर जाके एड में हो जाएगा, तो टू एक्स इक्वल टू फोर मीन्स एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ में आया, अगर हम लोग का बेस सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर लेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है, वहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोग इसी मेथड से करोगे। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज हुआ है। चलो, तो अब आज के लिए इतना, आप लोग सारे क्वेश्चन करना, आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट इट। ओके, चलो, थैंक यू।